नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कोचिंग संस्थानों को लेकर। बिहार सरकार अब प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने वाली है। बता दें कि बिहार सरकार अब कोचिंग संस्थानों के लिए हर हाल में निबंधन करवाना चाहती है। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तय मानक के अनुसार सुविधाएं देनी होगी। इतना ही नहीं, कोचिंग संस्थानों को यह बताना होगा कि आपके पास कितने तरह के कोर्स चल रहे हैं और उसमें शिक्षकों की क्या स्थिति है, मतलब कि वे शिक्षा योग्य हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ आपको उस कोचिंग संस्थान की आधारभूत संरचना के बारे में भी बताना होगा। साथ ही कोचिंग संस्थान को निबंधन के समय संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार सरकार अब प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण करने को लेकर तैयारी कर रही है। बिहार सरकार ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनिमय अधिनियम 2010 लागू है। बता दें कि यह कानून राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हो चुका है। बता दें कि बिहार में भले ही यह कानून बना हुआ है लेकिन यह नियम में नहीं है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस अधिनियम को बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा। इधर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 के प्रारूप के अनुसार यह बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रारूप के प्रकाशन के साथ साथ अपर मुख्य सचिव के साथ साथ सभी हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आम सूचना जारी करते हुए 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। कोई भी अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल आईडी directors.edu@gmail.com पर दे सकता है। बता दें कि जब यह नियम लागू हो जाएगा तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों को आवेदन करना होगा। कोचिंग संस्थानों को निबंधन करने के लिए 5,000 का निबंधन शुल्क जबकि नवीनीकरण शुल्क 3,000 रुपये रखा गया है। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिक संरचना की जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ आपको वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र प्रति वर्ग 1 वर्ग मीटर होगा। शिक्षकों का बायोडाटा भी इसमें देना होगा। न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी या फिर सेवानिवृत्त शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस नियमावली के अनुसार बिना निबंधन या उसके नवीनीकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ यह कहा गया है कि अगर आप अधिनियम की विशिष्टता या फिर किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के अनुसार करते हैं तो आपको जो है अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इस नियमावली को तोड़ता है तो उसे प्रथम अपराध के रूप में 25,000 रुपये और अगर वह दूसरी बार इस नियमावली को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1,00,000 रुपये के साथ साथ कारण बताओ नोटिस के साथ उसका निबंधन रद्द किया जा सकता है। इस नियमावली में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस निबंधन कमेटी में 4 लोगों की देखरेख में यह कमेटी काम करेगी। नियमावली बन जाने के बाद समिति का गठन वहां के जिलाधिकारी एसपी डीओ के साथ एक अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य होंगे। 15 दिनों के अंदर जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसकी जांच जिलाधिकारी और एसडीओ से नीचे के अफसर नहीं करेंगे। बता दें कि इस नियमावली में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायत, सुनवाई और अपील के प्रावधान तथा इसके शुल्क को भी तय किया जाना है। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना के अलावा प्रदेश के अन्य अन्य जिलों के शहरों में जिस तरह से कोचिंग संस्थान काम कर रहा है या फिर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई चल रही है, उसकी पूरी जानकारी जो है अब बिहार सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वो यह जानना चाहती है कि कोचिंग संस्थानों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन कोचिंग संस्थानों की वर्तमान में क्या स्थिति है, बच्चों को लेकर कोचिंग संस्थान किस तरह की सुविधाएँ देती है और कितने फीस लेती है। इन सारों चीज़ों की जानकारी जो है अब बिहार सरकार अपने पास जानना चाहती है। एक तरह से कह लें कि नियंत्रण करना चाहती है, कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना चाहती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।